हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। यूपी बीएड 2022 काउंसलिंग से संबंधित ये वीडियो है और लगातार डेली मैं अपडेट कर रहा हूँ आप लोगों को कि काउंसलिंग अगर आपको रैंक बढ़िया है तो आप लोग काउंसलिंग करा लो और जितना लेट करोगे समस्या आपके लिए होगा, ठीक है। और 3 लाख से अधिक बच्चों का तो एडमिशन होगा ही नहीं कॉलेज में, वो बीएड नहीं कर पाएंगे इस बार, ये भी सत्य है। ठीक, 100% सत्य है कि 3 लाख से अधिक बच्चों का एडमिशन नहीं होगा। रीज़न साफ साफ है, आप लोगों को सबको पता है क्यों नहीं होने वाला है एडमिशन। देखो, बीएड काउंसलिंग का 13,000 सीटें लॉक हो चुकी हैं अभी तक और सीटों का अलॉटमेंट 9 अक्टूबर को कुल 15,000 हुए शामिल, इसमें दूसरा चरण 10 अक्टूबर से शामिल होगा। ठीक, रोहिलखंड विश्वविद्यालय की ओर से करवाई जा रही बीएड काउंसलिंग में सोमवार करीब 15,000 विद्यार्थी शामिल हुए। अब तक के लगभग 13,000 विद्यार्थियों ने कॉलेज में सीटें लॉक कर दी हैं। इन विद्यार्थियों को सीटों का अलॉटमेंट 9 अक्टूबर को किया जाएगा। प्रदेश के लगभग 2,448 कॉलेजों में बीएड की कितनी सीटें हैं, लगातार अपडेट कर रहा हूँ कि 2,40,000 अप्रॉक्स, ठीक है, जिसमें से 10,000 तो गवर्नमेंट सीट ही है, बाकी प्राइवेट। वही बीएड में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या 6 लाख है। ठीक है, रीजन समझ में आ रहा है ना, 6 लाख विद्यार्थी हैं, 2,40,000 के आसपास कॉलेजेस हैं, ठीक है, सीट हैं बीएड करने के लिए। तो यहाँ पर आप देख लें कम से कम 3.5 लाख, ठीक है, बच्चे एडमिशन नहीं ले पाएंगे। और अगर रैंक आपका कम है तो एक सॉल्यूशन जो मैं बता रहा हूँ, काफ़ी वीडियो में बताया भी था सॉल्यूशन, अगर रैंक आपका कम है तो सॉल्यूशन ये है कि आप लोग डायरेक्ट कॉलेज में जाइए और अपना सीट बुक कीजिए। ठीक है, डायरेक्ट कॉलेज में जाइए, उनको एडवांस में 5,000 रुपीज़ दीजिए और अपना सीट बुक कर लीजिए। इससे क्या होगा कि आपको इस साल से आप बीएड कर पाओगे, अदरवाइज़ आप लेट कर जाओगे सो फिर बीएड इस साल तो नहीं हो पाएगा, नेक्स्ट साल ट्राई करना। रीज़न सिंपल सा है, एक तो ये रीज़न निकल के आ रहा है और दूसरी चीज़ है कि इस बार 6 लाख बच्चे क्यों आ गए, 6 लाख से ऊपर है, यहाँ पर 6 लाख लिखा हुआ, लेकिन 6 लाख लगभग 20,000 ऐसे बच्चे थे, ठीक है, 6.5 लाख के करीब। रीज़न था कि डीएलएड में इस बार डीएलएड कोई करना नहीं चाहता है और डीएलएड में तो बच्चे ढूंढ ढूंढ के पकड़ के ले जा रहे हैं, बीएड में जबकि मारामारी है, ठीक है, देख रहे हो बीएड में क्या है, इस बार दाखिले के लिए मारामारी है और डीएलएड में पकड़ ले जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि डीएलएड में तो ये समस्या है कि एक एक कॉलेज में एक एक बच्चे हैं, तो इतना समस्या है डीएलएड वालों के लिए। सरकारी कॉलेज में दाखिले के लिए 10,000 रैंक तक विद्यार्थियों को मिलने की उम्मीद जताई जा रही है, ठीक है, बाकी चीज़ें उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट कहने का मेरा पर्पज़ ये है आपको समझाने का कि आप लोग काउंसलिंग करवा लो। बहुत लोग क्या कर रहे हैं, जिसकी रैंक अच्छी है वो भी लेट कर रहे हो और लेट करोगे तो फिर आप सीट से वंचित रह जाओगे, तो उस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका ही होगा। ठीक है डियर, जो भी अपडेट आता है और भी कुछ रिलेटेड तो मैं अपडेट करता रहूँगा। आपको कुछ कमेंट पूछना है, कुछ क्वेरीज पूछना है, कुछ डाउट्स है, काउंसलिंग में समस्या आ रहा है तो कमेंट कीजिएगा, रिप्लाई 100% मिलेगा। धन्यवाद।